लोगों के दिमाग में और भी डर है कि जैसे ये जो ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए हम इंजेक्शन यूज करते हैं तो उससे आगे जाके कैंसर डेवलपमेंट का रिस्क रहता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता पटेल है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट हूँ। लास्ट 10 ईयर से मैं ये फील्ड में काम कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे IVF की प्रोसीजर क्या होती है, उसमें कुछ रिस्क है कि नहीं, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड IVF होता क्या है। IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब एम्ब्रियो को बाहर लेबोरेटरी में डेवलप करना। और सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो बच्चे को बाहर लेबोरेटरी में डेवलप करना। तो IVF को करवाने से पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है। तो बेसिक एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी हम सेकंड डे ऑफ पीरियड को एडवाइस करते हैं, जिसमें हम ओवरीज को देखते हैं, कोई सिस्ट है कि नहीं, एंट्रल फोलिकल काउंट कितना है, यूट्रस कैसा है और कोई इश्यूज है कि नहीं। उसके साथ साथ हम थोड़े हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं, जिसमें FSH, LH, TSH, प्रोलैक्टिन, AMH एंड एस्ट्रोडियोल चेकअप करवाते हैं। उसके साथ साथ हमें एक हस्बैंड सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट भी चाहिए कि स्पर्म काउंट, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी कैसी है। तो ये है बेसिक प्रिपरेशन। फिर जब हम पीरियड का सेकेंड डे होता है, उसके लिए हम ओवेरियन स्टिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शन यूज़ करते हैं। जो ओवेरियन स्टिमुलेशन प्रोसीजर है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 days का चलता है। उसके बीच में हम 2 to 3 times फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं। जब फॉलिकल्स है वो 18 to 20 mm साइज के डेवलप हो जाते हैं तो हम ट्रिगर दे के ओवम पिकअप प्रोसीजर करते हैं। तो जब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि IVF में कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं, तो एक तो ये हुआ ओवेरियन स्टिमुलेशन जिसमें गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शन लगते हैं। दूसरा स्टेप हुआ ओवम पिकअप। ओवम पिकअप है वो अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, उसमें कुछ पेन नहीं होता, उसके लिए पूरे दिन हॉस्पिटलाइज रहने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको में हम 3-4 घंटे में ही घर जा सकते हैं, उसके लिए कोई कट या स्टिचेस नहीं होते हैं। ओवम पिकअप है वो हम ट्रांसवजाइनली विथ स्पेशल एस्पिरेशन पंप की मदद से हम जो फॉलिकल्स डेवलप हुए उसके अंदर का फ्लूइड एस्पिरेट कर लेते हैं और फिर उसमें से हम एग आइसोलेट करते हैं हमारी IVF लेबोरेटरी में। तो ये हुआ ओवम पिकअप और प्रोसीजर। उसके बाद जो है आप दर्दी जो है वो घर जा सकता है, उसमें से जो भी एग रिट्राइव हुए हैं उसमें हम IVF और ICSI की मदद से एम्ब्रियो डेवलप करते हैं हमारी लेबोरेटरी में। फिर ये जब एम्ब्रियो डेवलप होता है उसमें हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं, क्लीवेज चेक करते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाई हमें day 3 ट्रांसफ़र करना है या day 5 ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र करना है या फ्रीज करना है या फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है। जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो है पेनलेस होता है, उसमें हम कोई एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, उसके लिए भी कोई पूरे दिन हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में हम जस्ट एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर में एम्ब्रियो लोड करके उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके लिए हम पेशेंट को यूरिन होल्ड करने की एडवाइस करते हैं और पेशेंट 3-4 घंटे के बाद अपने घर वापस ट्रैवल कर सकता है। तो ये जो बेसिक स्टेप्स है IVF प्रोसीजर के रिलेटेड वो मैंने आपको बताए। अब दिमाग में हमें ये क्वेश्चन आता है कि किसको IVF करवाना चाहिए। तो अब मैं रीज़न के बारे में बात करूँ तो अगर हम 100 couple को रहते हैं कि भाई जिसको IVF की ज़रूरत है तो 30% में फीमेल जवाबदार है, दूसरे 30% में मेल जवाबदार है और रेस्ट 40% में या तो दोनों जवाबदार है या कोई अनएक्सप्लेन रीज़न है, सारे रिपोर्ट नॉर्मल है पर फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। अगर हम फीमेल फैक्टर्स की बात करें तो दोनों फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो, एंडोमेट्रियोसिस और चॉकलेट सिस्ट का प्रॉब्लम हो, PCOD का प्रॉब्लम हो, पुअर ओवेरियन रिजर्व हो, अगर एक फ्रीजिंग करवाना है जैसे लेट मैरिज करना है या लेट प्रेगनेंसी प्लान करना है तो हम एक फ्रीज करवा सकते हैं और उसको लेटर ऑन IVF की मदद से प्रेगनेंसी रख सकते हैं, या हमें कोई कैंसर डेवलप हुआ है और हमें अपने एक फ्रीज करवाने हैं ट्रीटमेंट से पहले तो भी हम एक यूज़ कर सकते हैं लेटर ऑन। तो ये है फीमेल फैक्टर्स। ऐसे ही मेल में जैसे स्पर्म की क्वांटिटी जैसे कि काउंट जो है वो डाउन है, मोटिलिटी डाउन है, एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ स्पर्म ज़्यादा है या एजोस्पर्मिया है कि जिस केस में हमें टेस्टिकुलर बायोप्सी की मदद से स्पर्म रिट्राइव करने हैं तो उस केस में हम IVF की मदद से, ICSI की मदद से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो ये हुए बड़े बड़े कारण जिसमें हमें IVF की ज़रूरत होती है। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे हैं जिसमें
सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है और हम ऐसा बोलते हैं कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, तो ऐसे केस में भी IVF ICSI ट्रीटमेंट से काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीज़न है जो अभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये हुई रीज़न। अभी जब भी हम IVF के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला हमें डर होता है कि इसमें कोई रिस्क है, मैं IVF कराऊंगी तो आगे जाके मुझे कोई प्रॉब्लम होगा। तो एस सच देखा जाए तो कोई बड़ा रिस्क IVF ट्रीटमेंट में नहीं होता है। इसमें जो हम गोनेडोट्रोफिन इंजेक्शन यूज़ होते हैं, ऐसे हॉर्मोन्स नेचुरली भी हमारी बॉडी में रिलीज होते ही है। और ये प्रोसीजर में जो ऑपरेटिव रिस्क होता है, जैसे ओवम पिकअप प्रोसीजर है, वो अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर होता है तो एनेस्थीसिया का रिस्क होता है, या फिर प्रोसीजर रिलेटेड रिस्क रहता है, जैसे कि फॉलिकल्स के अंदर हैमरेज हो जाता है या फॉलिकल्स में से ब्लीडिंग होता है, किसी को ओवेरियन टॉर्जन हो सकता है, या किसी किसी को जो आजू बाजू के वाइटल स्ट्रक्चर जैसे कि ब्लैडर है, यूरेटर है, या जो रेक्टम है उसमें इंजरी होती है अगर कुछ एडेशंस वगैरह रहता है। बट दिस ऑल आर वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन, तो कुछ ज़्यादा डरने वाली बात नहीं होती। एक लोगों के दिमाग में और भी डर है कि जैसे ये जो ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं तो उससे आगे जाके कैंसर डेवलपमेंट का रिस्क रहता है, इतना कॉमन नहीं है। हमने अभी तक की जो हमारा एक्सपीरियंस है तो दो चार बार अगर आप IVF के लिए ओवेरियन स्टिमुलेशन के जो इंजेक्शन यूज़ करते हो तो उससे एकदम से कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ जाता। बट फिर भी जो लेडीज़ ने इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ली है, चाहे वो IVF हो या कोई और छोटी मोटी मेडिकल ट्रीटमेंट हो, उन लोगों को रेगुलर अपना स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। जैसे मेमोग्राफी करवा सकते हो, पैप स्मीयर करवा सकते हो और एंडोमेट्रियल लाइनिंग चेक करवा सकते हो। तो एस सच देखा जाए तो कोई गंभीर रिस्क नहीं है, ये प्रोसीजर बहुत ईजी है, खाली उसको समझना है और उसका यूज़ करना है। तो ये मैंने ब्रॉडली आपको IVF की प्रोसीजर, उसके रिलेटेड रिस्क, उस किस केस में करवाना चाहिए, उसके बारे में आपको माहिती और जानकारी दी है। अभी आपको इसके बारे में और कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज रहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।